अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज हम दोबारा वापस आए हैं एक नए वीडियो सीरीज़ के साथ, जिसमें हम कंप्यूटर नेटवर्क से रिलेटेड इंशाल्लाह ताला वीडियोस का स्टार्ट करेंगे। हम आज के लेक्चर में, जो बहुत सबसे पहला लेक्चर है, इसमें हम बहुत वेरी बेसिक इंट्रो टाइप नेटवर्किंग करेंगे, ताकि आपको एक बेस बन जाए कि क्या नेटवर्किंग होती है, क्या फंडामेंटल्स हैं और किस तरह कॉन्फ़िगरेशन करनी है हमने सिस्को पैकेट ट्रेसर में। और हम इस कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू जो है वो समझेंगे कि किस तरह हमने समझना है। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं कि हमने बेसिक नेटवर्क बनाना है, तो उसके लिए आपको यहाँ पे पैकेट ट्रेसर इंस्टॉल करना पड़ेगा। इसका नाम है सिस्को पैकेट ट्रेसर, जो कि मैं वर्जन यूज़ कर रहा हूँ वो कि 6.2 यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब यहाँ पे इसके एंड साइड पे आप देख सकते हैं यहाँ पे कि मुख्तलिफ यहाँ पे चीज़ें गिवन हैं। यहाँ पे हमारे पास राउटर्स हैं, स्विचेस हैं, हब्स हैं, वायरलेस डिवाइसेस हैं और ये वायर्स हैं, यानी कि कनेक्शंस हैं। और फिर आपके पास एंड डिवाइसेस हैं और सिक्योरिटी और ये सारी चीज़ें हैं। और यहाँ पे वो सारी चीज़ें जो हम यहाँ पे सिलेक्ट कर रहे हैं, वो यहाँ पे हमें खुल के दिखाई दे रही हैं कि इनमें से आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और अब यहाँ पे आप स्नैरियोज बना सकते हैं। स्नैरियोज में देख सकते हैं कि कौन से स्नैरियोज बनाए हैं, और यहाँ पे आपको बता देगा कि आपने मैसेज जो पास किया है, वो अभी आपको मैं दिखाऊंगा, आपको अभी शायद समझ ना आए। और यहाँ पे हमारे पास कुछ ऑप्शंस हैं, ये डेटा पैकेट को ट्रांसफ़र करने के लिए है, और ये मुख्तलिफ चीज़ें हैं, ये मैं आपको जब यूज़ करूँगा तो आपको आहिस्ता आहिस्ता पता चलता रहेगा। और प्रोजेक्ट्स को सेव करने के लिए ये फाइल सब मेन्यू है, सब कुछ है, ये आपको जब मैं यूज़ करूँगा तो आपको पता लग जाएगा। चलें, अब पहला जो है, मैं टाइम ज़ाया किए बगैर जो है वो शुरू करता हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहला जो नेटवर्क हम बनाने जा रहे हैं, उसमें हम यही सीखेंगे कि एक नेटवर्क में कितने सब नेटवर्क्स हैं, और कितने हम कॉन्फ़िगरेशंस कैसे करेंगे, कितने एड्रेसेस लगेंगे और कितनी एड्रेस डोमेन्स आएंगी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हम ये इस ट्यूटोरियल में चेक करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने क्या किया कि मैं 1841 का एक राउटर ले रहा हूँ। ठीक है, एक मैंने राउटर लिया है। अब राउटर क्या होता है, राउटर सिंपली क्या करता है कि डेटा पैकेट्स को फॉरवर्ड करता है। अब फॉर एग्जांपल, एक यहाँ पे यूज़र है जिसने डेटा पैकेट इस राउटर को सेंड किया है, तो ये राउटर क्या करेगा, वो डेटा पैकेट इस राउटर को फॉरवर्ड कर देगा, और फॉरवर्ड करके वो ये वाला राउटर फॉरवर्ड करेगा फिर दोबारा, और वो किसको फॉरवर्ड करेगा, वो अपनी किसी एंड डिवाइस को फॉरवर्ड करेगा जो कि उससे कनेक्टेड है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं ये अभी डिलीट कर देता हूँ, ये इससे डिलीट होगा, तो यस, अब मैंने डिलीट कर दिया। अब यहाँ पे क्रॉस का निशान आ रहा है, यानी कि अगर आप और भी चीज़ डिलीट करना चाहते हैं तो उसके ऊपर क्लिक कर दें और ये डिलीट हो जाएगा। अब मैं एस्केप दबा रहा हूँ ताकि ये वापस अपनी हालत पे आ जाए। अब यहाँ पे मैंने क्या करना है कि यहाँ पे मैंने जो है वो एक राउटर लेना है, और मैंने एंड डिवाइसेस लेनी है। एंड डिवाइसेस कोई भी जेनेरिक ले लें, इसका ये मतलब है कि कंप्यूटर्स जो यूज़र्स होते हैं, एंड यूज़र्स। ठीक है, अब मैं इनको कनेक्ट करने के लिए, ये अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे लिखा है, आ रहा है ऑटोमेटिकली चूज़ कनेक्शन टाइप, यानी कि ये जो है ये ऑटोमेटिकली चूज़ करेगा कि आपको कौन सा कनेक्शन या कौन सी वायर जो है वो यहाँ पे लगेगी। ठीक है, आपको उन्हें याद रखना पड़ेगा कि कौन सी वायर जो है वो यहाँ पे लगनी चाहिए। सही है, तो अब यहाँ पे मैंने क्या किया कि अब यहाँ पे मैंने एनर्जी आपको देता हूँ कि अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक यूज़र जो एंड यूज़र है, इसने डेटा पैकेट सेंड किया है, इस यूज़र के पास जब वो डेटा पैकेट सेंड करेगा तो उस डेटा पैकेट के अंदर जो है वो दो चीज़ें इनक्रिप्ट होंगी, यानी एक चीज़ ये होगी कि सेंडर का एड्रेस और एक ये कि डेस्टिनेशन का एड्रेस। ठीक है, तो जिसने सेंडर ने सेंड करना है वो डेस्टिनेशन एड्रेस पे पहुंचेगा, और अगर डेस्टिनेशन ने दोबारा उसे रिप्लाई करना है तो वो उस सेंडर के पास जाएगा वो डेटा पैकेट। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे हमें इसको भी एड्रेस देना पड़ेगा, इसको भी एड्रेस देना पड़ेगा, लेकिन क्या इसको देना पड़ेगा एड्रेस, लाजमी देना पड़ेगा इसको भी, क्योंकि जब ये सेंड करेगा तो वो इसको डायरेक्टली सेंड नहीं करेगा बल्कि इसको सेंड करेगा, यानी कि सेंडर का एड्रेस ये होगा पहले, और फिर ये चेक करेगा कि किस सेंडर को आगे भेजना है, किस एंड यूज़र को भेजना है, तो वो इसको भेजेगा ये वाला राउटर। ठीक है, तो अब मैंने क्या करना है कि मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ समझाने के लिए कोई भी कलर ले लेते हैं। ठीक है, अब मैंने इसको, अब यहाँ पे अगर देखें एक ये नेटवर्क है और एक ये नेटवर्क है।
ठीक है, राउटर के साथ जितने भी कनेक्शंस होंगे एक अलग नेटवर्क के तौर पे उसको हम एज्यूम करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे एक ये नेटवर्क है और एक ये नेटवर्क है, ठीक है, एक ये नेटवर्क है। तो यानी कि अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक और राउटर होता और जिसके साथ एक वायर कनेक्ट होती, सॉरी, अगर फॉर एग्जांपल इसके साथ एक और वायर कनेक्ट होती इधर, तो अभी वो कह रहे हैं कि नहीं कनेक्ट हो सकता क्योंकि ये राउटर के राउटर थ्रू कुछ और होते हैं। अगर ये कनेक्ट होता वायर, तो यहाँ पे क्या होता कि यहाँ पे तीन नेटवर्क्स होते हैं, ठीक है, यहाँ पे इस राउटर के पास तीन नेटवर्क्स होते हैं, लेकिन अभी फिलहाल दो हैं, तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। ओके, तो अब यहाँ पे मैंने डिलीट कर दिया है, और अब मैंने क्या करना है कि मैंने एड्रेसेस देने हैं। तो मैंने एड्रेसेस देने हैं, तो मैं कैसे एड्रेस दूंगा, मैं जो है क्योंकि अब दो नेटवर्क्स हैं ना यहाँ पे, तो मेरे पास कितनी डोमेन्स बनेंगी एड्रेसेस की, मेरे पास दो डोमेन्स बनेंगे, यानी कि एक ये डोमेन बनेगी और एक ये डोमेन बनेगी। अब डोमेन क्या चीज़ है, डोमेन ये है कि अगर आपने एक एड्रेस जो है 192.168.1.2 दिया है एक कंप्यूटर को, ठीक है, अब मैंने ये वाला एड्रेस जो है, मैंने ये वाला एड्रेस जो है इस कंप्यूटर को दूंगा, लेकिन अब ये जो ये आप देख रहे होंगे ये जो वन है ये डोमेन कहलाती है, ठीक है, यानी कि ये जो पूरा एड्रेस है ना ये डोमेन कहला रही है। क्यों? क्योंकि ये नेटवर्क्स का पार्ट है, नेटवर्क का पार्ट है। एक एड्रेस में दो पार्ट्स होते हैं, एक नेटवर्क का पार्ट होता है, एक होस्ट का पार्ट होता है। तो अब ये नेटवर्क का पार्ट है और ये होस्ट का पार्ट है। अब नेटवर्क का जितनी दफा चेंज होगा पार्ट, वो एक अलग नेटवर्क को मिलेगा, यानी कि अब मैंने ये वन तक तो सेम रहेगा, और टू जो है यहाँ पे मैं थ्री दे दूंगा, सही है, यानी कि मैं एक इंक्रीमेंट के हिसाब से, या एक डिक्रीमेंट के हिसाब से यहाँ पे एड्रेस दे दूंगा, ठीक है। यानी कि मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो एक पीसी है, एक जो एक नेटवर्क है, मैं उसको एक डोमेन में से एड्रेसेस दूंगा, एक डोमेन यानी कि 1.0, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, ठीक है। लेकिन अब मैंने यहाँ पे अगर एड्रेसेस देने हैं तो मैं डोमेन चेंज करूँगा, यानी कि मैं अगर इसको देता हूँ 192.168.2.1। अब आप नोटिस करें कि मैंने यहाँ पे 2.1 दिया, यानी टू, ये मैंने डोमेन चेंज की है। अब मैंने यहाँ पे एक अलग नेटवर्क को डिफरेंशिएट करने के लिए मैंने यहाँ पे क्या किया है कि मैंने इसको एक अलग नेटवर्क की डोमेन में से दिया है। अब मैंने, क्योंकि ये सेम नेटवर्क था, तो मैंने इस नेटवर्क पार्ट पे इसको मैंने सेम नेटवर्क्स में से, सेम पूल में से एड्रेसेस देने हैं। हमारे पास दो पूल्स बन रहे हैं, दो पूल्स कैसे बन रहे हैं, मैं अगर आपको बना के दिखा देता हूँ। दो पूल्स कैसे बन रहे हैं, एक ये पूल है और एक ये पूल है, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे पास इस पूल का जो एड्रेस डोमेन है, जिससे मैं ये नेटवर्क डिफरेंशिएट होगा, वो ये है 192.168.1.0, ठीक है। अब ये जो ये वाला मैंने एड्रेस लिखा है, आईपी एड्रेस, ये वाला आईपी एड्रेस इस नेटवर्क को डिफरेंशिएट करने के लिए है, यानी कि इस नेटवर्क की डोमेन है, यानी कि अगर मैंने कोई और एड्रेस देना है, यानी कि एक और यहाँ पे कनेक्ट है एंड डिवाइस, तो मैं उसको 1.3 दूंगा, 1.4 दूंगा, या 1.1 दे सकता हूँ, 1.4 दे सकता हूँ, लेकिन 1.0 नहीं दे सकता, क्योंकि ये जो है ये बेस एड्रेस होता है और ये नेटवर्क को डिफरेंशिएट करने के लिए होता है। अब मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर लिखूँ तो ये इसकी डोमेन जो है ये 192.168.2.0 है। ओके, तो अब ये जो है ये सिंपल
इसकी डोमेन है, इस नेटवर्क को डिफरेंशिएट करने के लिए है. ओके, अब मैंने ये जो यहाँ पे लिखे हुए हैं आईपी एड्रेसेस, अब मैंने इनको यहाँ पे कॉन्फ़िगर भी करना है. तो मैं कॉन्फ़िगर कैसे करूँगा, अब मैंने आईपी ये जो ये वाले आईपीज़ मैंने इनको क्या करना है, कॉन्फ़िगर करना है. तो अब मैंने इस पे सिंपली क्या किया, इस एंड डिवाइस पे क्लिक किया है और मेरे पास एक कॉन्फ़िगरेशन मेन्यू आया है. अभी मैं क्योंकि बेसिक लेवल पर समझा रहा हूँ आप लोगों को, तो आपको क्या करना होगा कि आपको डेस्क जीयूआई से जो है वो कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी. अब मैंने क्या किया है, सबसे पहले मैं डेस्कटॉप पे गया हूँ और डेस्कटॉप के जाने के बाद आईपी कॉन्फ़िगरेशन में जाके मैंने क्या किया है कि मैंने इसको आईपी एड्रेस कौन सा देना है. ठीक है, मैंने क्या किया कि आईपी कॉन्फ़िगरेशन में गया हूँ, आईपी कॉन्फ़िगरेशन में जाके मैंने क्या करना है कि मैंने क्योंकि इस एंड डिवाइस में हूँ और इस एंड डिवाइस पे आईपी एड्रेस 1.2 है, तो मैंने सिंपली क्या करना है कि मैंने यहाँ पे 192.168.1.2 लिख देना है और सबनेट मास्क को क्लिक करोगे तो वो ऑटोमेटिकली दे देगा. और डिफ़ॉल्ट गेटवे का क्या मतलब है कि जिस गेट से होके वो जाएगा, यानी कि इस गेट से होके जाएगा, तो इस का एड्रेस क्या है 1.3, यानी कि इस एड्रेस से होकर डाटा पैकेट जाएगा तो ये 1.3 है. तो ये मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ. ठीक है, अब ये क्या हुआ है कि ये कॉन्फ़िगर हो चुका है. अब आप इसे क्रॉस कर दें और बंद कर दें. अब मैंने क्या करना है कि मैंने इसको सेटअप करना है, राउटर को सेटअप करना है. ठीक है, राउटर को सेटअप करने के लिए आपने उसके ऊपर सिंपली क्लिक करना है और कॉन्फ़िगरेशन मेन्यू में जाना है. अब कॉन्फ़िगरेशन मेन्यू में जाएंगे तो आपके पास ये काफ़ी चीज़ें हैं यहाँ पे. तो अब आप यहाँ पे क्लिक अगर ज़रा होवर करेंगे तो आपको कुछ नज़र आएगा लिखा हुआ FA01. FA01 जो है वो ये कनेक्ट है, यानी कि FA01 यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपने इसको आईपी एड्रेस दे देना है. आईपी एड्रेस अब यहाँ पे 1.3 है, तो अब यहाँ पे 1.3 है, तो मैं कॉपी किया हुआ था, मैंने पेस्ट किया सिंपली और यहाँ पे मैंने 1.3 कर दिया है. सबनेट मास्क पे क्लिक करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली आपको सबनेट मास्क दे देगा और आपने बाद में क्या करना है, इसको ऑन कर देना है. और अब आपने ऑन कर दिया तो अब जो कनेक्शंस होंगे वो ग्रीन हो गए होंगे, यानी कि ये कनेक्शंस क्या हो गया, ऑन हो चुके हैं. अब फॉर एग्जांपल मैंने डेटा पैकेट यहाँ से यहाँ सेंड किया है तो वो कह रहा है फेल्ड, पहली दफ़ा फेल्ड होगा. अब दोबारा अगर आप करें तो सक्सेसफुल हो गया है. ठीक है, यानी कि स्टार्ट में जो है वो एक जो है वो कनेक्शन एस्टेब्लिश करने के लिए चेक करते हैं और फिर वो सक्सेसफुल ही रहता है. अब आपने ये तो कनेक्शन सेटअप कर लिए, अब आपने यहाँ पे सेट अप करना है. तो सेटअप करने के लिए अब ये किससे कनेक्टेड है, ये कनेक्ट है 00 FA00 से. किस पोर्ट पे कनेक्ट है, FA00 से. तो अब मैंने यहाँ पे कौन सा एड्रेस दिया हुआ है, 192.168.2. मुझे देखना पड़ेगा कि मैंने कौन सा एड्रेस दिया, 2.2 दिया हुआ है. तो अब यहाँ पे मैं क्लिक किया, ऑटोमेटिकली सबनेट मास्क असाइन हो गया और मैंने इसको ऑन कर दिया. ठीक है, अब यहाँ पे ग्रीन तो हो गया है लेकिन अभी इसको एड्रेस नहीं मिला, तो यहाँ पे डेटा पैकेट सेंड नहीं होगा. अगर मैं सेंड करके देखता हूँ तो यहाँ पे वो कह रहा है कि अभी कोई फंक्शनल पोर्ट्स नहीं है. तो इसके लिए मैं क्या करूँगा कि मैं इसको भी सेटअप करूँगा. अब मैं सेटअप करूँगा तो मेरे पास जो है वो एक की सिंपल है, यहाँ पे भी आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं लेकिन अभी मैं GUI पे रहना चाहता हूँ ताकि काम आसान रहे. अब यहाँ पे मैं 192.168.2.1 यहाँ पे आईपी एड्रेस जो कि हमने पहले ही लिख दिए थे वो दूंगा. सबनेट मास्क मैंने क्लिक किया तो ऑटोमेटिकली असाइन हो गया. अब यहाँ पे डिफ़ॉल्ट गेटवे क्या होगा, डिफ़ॉल्ट गेटवे 2.2 होगा. तो अब यहाँ पे मैंने क्या करना है कि यहाँ पे मैंने 2.2 यहाँ पे लिख दूंगा और यहाँ पे क्रॉस करूंगा और वो सारा कुछ यहाँ पे हमारा अब कॉन्फ़िगर हो चुका है. तो अब मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक डेटा पैकेट सेंड करके देखता हूँ, तो डेटा पैकेट इन प्रोग्रेस है अभी और अब मैं दोबारा सेंड करता हूँ, सक्सेसफुल हो गया, यानी कि आपका पहले दफ़ा जो नेटवर्क में कनेक्शन जो है वो फेल्ड आएगा. फिर आपने घबराना नहीं है और आपने दोबारा जो है वो उसको करके देखना है तो वो सक्सेसफुल आ रहा है.
ठीक है, अब ये आज का हमारा ट्यूटोरियल था। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी समझ आ गई होगी कि क्या नेटवर्क होता है, कैसे नेटवर्क से हमने कॉन्फ़िगरेशन करनी होती है। तो चलिए, दोबारा कुछ और नई वीडियोस के साथ आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।